वेलकम टू आमनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। कल तो थोड़ी सी रमज़ान प्रिपरेशन की थी, उसके बाद स्टॉप लग गया था। अब रोमेनिंग जो रहती है वो करते हैं। आज हम अपनी प्रिपरेशन का स्टार्ट करेंगे, 3D पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए 3 मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे मैं आपको मुतारिफ करवाती हूँ। 3D पेस्ट हर चीज़ में ऑलमोस्ट यूज़ होती है, इसको बना के हम फ्रिज में सेव कर लेंगे। ये हैं जी 3 इंग्रेडिएंट्स 3D पेस्ट के, अदरक, लहसुन और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये साइज़ पे भी डिपेंड करती हैं, बस थोड़ी सी हम हरी मिर्चें लेंगे। तो अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैंने ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। अगर आपको ऐसे फीलिंग आए कि बहुत ज़्यादा थिक है और अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, मेरा तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। सबके ब्लेंडर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि बहुत ज़्यादा थिक है, मशीन के ऊपर इतना नहीं प्रेशर डालना चाहिए, आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको शीशे की बॉटल में निकालेंगे। ये जी हमारा 3D पेस्ट रेडी हो चुका है। इसको मैंने शीशे की बोतल में सेव किया है। शीशे की बोतल में स्टोर करने का मकसद ये होता है कि चीज़ की लाइफ भी लंबी हो जाती है, स्टोरिंग लाइफ भी, और टेस्ट में भी चेंज नहीं आता। आप भी ट्राई किया करेंगे कि शीशे की बोतल में जो भी चीज़ आपने प्रिजर्व करनी है वो शीशे की बोतल में किया करें। अब हम चिकन को जुलियन कटिंग में कट कर लेंगे। इस तरह के 2 पीसेस मैंने लिए थे, एक को मैंने कट कर लिया है, एक को मैं कट करने लगी हूँ। अब सेकंड प्रिपरेशन करते हैं। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, देखते हैं कि हम क्या बनाने लगे हैं। ये जी देखें जी, चिकन की मैंने जूलियन कटिंग कर ली है, सारे 2 मैंने लिए थे 2 पीसेस। तो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें भरेंगे, एक ही स्टाइल में नहीं करेंगे हम, तो ये काम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, थोड़ी देर तक कंटिन्यू करेंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है पहले वो कर लेते हैं। मेरे घर का मेन मसला खाना। दोपहर में मैंने बनाए थे कद्दू चने की दाल, जो कि अब दोपहर रात में नहीं चलेगी, साथ में कुछ और चाहिए होगा, तो वो अब मैंने सोचा है मैं क्या करूँ। तो मेरे माइंड में एक आया आइडिया, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं उस दिन बिन दाऊद से ये लेके आई थी फ़िश, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस फिश को लगा देती हूँ मसाला, साथ में दाल खा लेंगे और साथ में फ़िश हो जाएगी, तो इस बहाने दाल भी खा लेंगे। अकेली दाल तो किसी ने खानी नहीं है। हमारे घर का बहुत बड़ा मसला है क्या पकाएं। अब फिश की मैरिनेशन तैयार करते हैं हम। अब हम तैयार कर लेते हैं मैरिनेशन। 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं दही, 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे, 3D पेस्ट जो भी हमने रेडी किया था, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, अब हम 1.5 खाने का चम्मच वो ऐड कर लेंगे। अब हम ऐड कर लेते हैं अपने कुछ मसाले, नमक टीस्पून, कूटी हुई लाल मिर्च, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून हम लेंगे धनिया पाउडर। मैंने इसमें थोड़ी सी एडिशन की है, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई वो था कि मैंने 1 टेबल स्पून जो सा इसके अंदर ऐड किया है बेसन, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था मैरिनेशन को। और मैंने टेस्ट किया, नमक मिर्च बिल्कुल सही है, आप इस लेवल पे टेस्ट करें। अगर आपको कुछ भी कम लगे इसके अंदर ऐड कर लें। हमारे घर में नमक बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेरे सास ससुर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इसलिए हम बहुत ही कम नमक यूज़ करते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसी तरह स्पाइसेस भी कुछ ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, कुछ नहीं। तो अब हम इस मैरिनेशन को लगा देंगे मछली के ऊपर और इसको टाइम देंगे हम 1 घंटा, ताकि अच्छे से मसाला अंदर रच बस जाए। तब तक हम अपने समोसों की तैयारी कर लेते हैं।
ये देखिए जी, मैंने अच्छे से फिश को लगा दिया है मसाला। अब मैं इसको अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख दूंगी एक घंटा। तो तब तक हम अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर देते हैं। हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया था, उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया अदरक लहसुन और अपना हरी मिर्चों का पेस्ट, चिली पेस्ट। अब जब तक ये फ्राई होते हैं हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है तो मैंने चिकन भी ऐड कर लिया है। अब चिकन जब तक अपना कलर चेंज करेगा अच्छे से फ्राई करेंगे हम इसको। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, हम इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, लो आंच पे पकाएंगे या अपने ही पानी में पकेगा। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज, बारीक चॉप किया हुआ एक दरमियाने साइज का मैंने प्याज लिया था। यह आपके प्याज के साइज पर भी डिपेंड करता है, मेरा ना दरमियाना था ना छोटा था, छोटा सा एक प्याज था मैंने वो ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लो आंच पे इसको कवर करके पकाएंगे ताकि प्याज और चिकन के पानी के अंदर चिकन अच्छे से गल जाए। हसबे ज़रूरत हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 4 मसाला ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून, थोड़ा सा टेस्ट के लिए सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस, ज़्यादा नहीं। अब हमने इसको कवर कर दिया है लो आंच, 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो आंच पे। एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया चॉप करके ऊपर ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगा हम इसको कर लेंगे फिल। सारे मैंने बना लिए थे जितने बने थे उस मटेरियल के, तो उनको मैंने थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दिया। जब सेट हो जाएंगे तो हम इनको जिपर बैग में रख देंगे। ये जी हमने फिश जो मैरिनेट की थी मैंने निकाल ली है, टाइम हो रहा है खाने का, तो अब हम इसको कर लेंगे एयर फ्रायर में रख देते हैं। जिपर बैग्स में डाल लूँगी, मुझे बड़े साइज के जिपर बैग मिले नहीं है, छोटे मिले हैं, तो इस तरह इनके लिए डालूँगी। अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे स्टोर कर लेंगे। मैं खुद तो फिश खाती नहीं इतने शौक से, मैंने तो खाई नहीं, मगर जिनके लिए बनाई उन्हें पसंद आ गई, मेरी मेहनत रायगा नहीं गई, मैं बहुत खुश हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी अगर इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को भी ज़रूर अच्छी लगेगी। खाना शाना सब कुछ हो गया, अब हमारे दिन का हुआ अख्ताम। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीलॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।